तो शुरू करते हैं हम लोग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसका यूज हम लोग करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर बनाने के लिए। तो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैंने उस दिन प्रिंसिपल बता दिया था, तो प्रिंसिपल था करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क एंड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ये था कि अगर हम अपनी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और अगर रेडियल फील्ड हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो, तो अल्फा होगा 90 डिग्री, तो टॉर्क बन जाएगा एन आई बी ए। अब अल्फा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और हम देख रहे हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क होगा, ये हम कर चुके। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बना होता है? तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपने देख लिया, एक तो कॉइल होगी, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होगी, और मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बनाएंगे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग लेंगे कॉनकेव शेप के पोल्स, ये होंगे हमारे कॉनकेव शेप के पोल्स, किसी हॉर्सशू मैग्नेट के नहीं, ये मैं बताऊंगा हॉर्सशू मैग्नेट कैसा होता है। इस तरीके से कॉनकेव शेप के हमारे पोल्स होंगे, और उन पोल्स के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर यानी सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होगा, और उस सिलेंडर के ऊपर हमारी कॉइल होगी। ये हमारी कॉइल है, सिलेंड्रिकल कॉइल है, इस तरीके से वायर को हमने लपेटा हुआ है। ठीक है, टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, दिस इज टॉप व्यू। ऊपर से देखने पर हमें ऐसा नजर आएगा, और यहां पर एक लगा होगा स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग यहां पर किसी स्क्रू के साथ टाइट किया हुआ है, और यहां पर लगा हुआ है एक पॉइंटर, ये है एक पॉइंटर, और यहां पर है स्केल। इस तरीके से ये हमारा स्केल है, ऐसे, ठीक है, ये हमारा स्केल है। जब हम, अब ये तो होगी कंस्ट्रक्शन, तो ये हमारे क्या हुए, ये हुए हमारे पोल्स जो प्रोड्यूस करेंगे कॉनकेव शेप मैग्नेटिक, कॉनकेव शेप के पोल्स हैं जो प्रोड्यूस करेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ये है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, और ये है हमारी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे हम लोग, और ये है, ये जो स्प्रिंग मैंने बनाया है इसे कहते हैं हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग का मतलब क्या है? ये बिल्कुल बाल जितना पतला एक स्प्रिंग है, एक वायर है, ठीक है, जब हमारी कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, बेसिकली ये काम करेगा। और क्या रह गया? ये है हमारा पॉइंटर, और ये है हमारा स्केल। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हुई कॉइल, कॉइल को हमने वाइंड किया है सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर, और यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, सर्कुलर स्प्रिंग स्प्रिंग है, ठीक है, ये हमारे परमानेंट मैग्नेट हैं, और ये है कॉनकेव शेप का पोल्स, और यहां पर एक पॉइंटर है, पॉइंटर जो है इस तरीके से सर्कुलर स्केल के ऊपर मूव करेगा। कंस्ट्रक्शन हुई, वर्किंग क्या है? वर्किंग देखो, वर्किंग करने से पहले एक बार हम इसका साइड व्यू और देख लेते हैं कि अगर हम इसको साइड में से देखेंगे तो कैसे नजर आएगा। तो इसका साइड व्यू और बना लेते हैं हम लोग।
साइड व्यू इस तरीके से रहेगा कि हमारे जो कॉनकेव शेप के पोल्स हैं ऐसे, अब की बार मैं थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए उनको ऐसा बनाऊंगा, ये हमारे कॉनकेव शेप के पोल्स हैं ऐसे, और इधर यहां पर होगा एक सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। अब की बार वो इस तरीके से दिखाऊंगा मैं उसको, ठीक है, थोड़ा उसे थोड़ा दूर कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियरिटी से नजर आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारा सिलेंडर है, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं ताकि सिलेंडर पूरी बनावट उसी नजर आ जाए हम लोगों को ऐसे। ऐसे ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने कॉइल को वाइंड किया है, ऐसे कॉइल है इस तरीके से ऐसे जा रही है, इस तरीके से वाइंड करके हमने इस पे किया हुआ है। और यहां पर ये जो है ना एक्सेल है, इसे कहते हैं एक्सेल, एक्सेल है ये, ठीक है। एक्सेल को हमने नीचे हेयर स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ है, ये हेयर स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर भी एक हेयर स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है। और इसके साथ हमने पॉइंटर भी लगाया हुआ है, ये हमारा पॉइंटर है जो सर्कुलर स्केल के ऊपर होगा, ये हमारा सर्कुलर स्केल होगा ऐसे, ठीक है। और इसके साथ कनेक्शन करेंगे हम लोग, और सोर्स के साथ ये टर्मिनल्स हमारे टर्मिनल्स, इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे जिसके साथ, जिस सर्किट का हम करंट निकालना चाहते हैं उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, और पहले की तरह है, जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, इसे कहते हैं सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ये है हेयर स्प्रिंग, ठीक है, ये हमारी कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये परमानेंट मैग्नेट है, ओके, ये पॉइंटर हो गया पहले की तरह, ये स्केल हो गया, क्लियर है। तो ये हुई कंस्ट्रक्शन, आई बस में अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग कि काम कैसे करता है। अब मैंने तुम्हें ये तो बता ही दिया कि जब हमारी कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, ये स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो ये वाला ही एंड तो फिक्स्ड है, और जब बीच वाला हिस्सा रोटेट करेगा तो स्प्रिंग ऐसे टाइट हो जाएगा, टाइट जैसे बच्चों के खिलौने में होता है ना, बच्चों के खिलौने में क्या आपने देखा होगा, चाबी भरते हैं तो स्प्रिंग ऐसे, एक स्प्रिंग होता है वो टाइट होता जाता है, ऐसे टाइट हो जाता है, और जब तुम छोड़ देते हो तो वो स्प्रिंग धीरे धीरे खुलता जाता है और फिर तुम्हारा टॉय चलता है ना, ऐसे एक स्प्रिंग होता है ना इस तरीके से, गोल 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 रिबन की तरह, रिबन स्प्रिंग भी कह सकते हैं उसको। तो बीच वाले हिस्से को हम टाइट करते जाते हैं, बीच वाले हिस्से बाहर वाला है एंड जो होता है ना स्प्रिंग का, ऐसे ऐसे स्प्रिंग होता है, बाहर वाला एंड जो है रुका हुआ होता है, सेंटर वाले हिस्से को हम लोग टाइट कर देते हैं, तो वो उल्टा घूमने की कोशिश करता है, अपोजिट डायरेक्शन घूमने की कोशिश करता है, और उल्टा घूमते समय हमारे टॉय को चलाता है। ऐसे यहां पर भी होगा कि ये वाला एंड तो फिक्स्ड है और ये वाला एंड है ना बीच वाला एंड, जब ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा तो स्प्रिंग जो है ना टाइट होता जाएगा, ठीक है। और हमारे सिलेंडर को, हमारी कॉइल को घूमने से रोकेगा, बात समझ में आई, कि हमारी कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो टॉर्क की वजह से वो तो घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना ऊपर, वो स्प्रिंग बीच में से टाइट होता चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब इसका रोटेशन इसकी रोटेशन को रोकेगा, इसे कहेंगे रोटेटिंग टॉर्क, ये जो होगा ना कॉइल को घुमाने वाला उसे कहेंगे रोटेटिंग टॉर्क,
घुमाने वाला टॉर्क, और जो स्प्रिंग के अंदर होगा ना जो रोकेगा उसे कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। तो एक होगा करंट की वजह से रोटेटिंग टॉर्क जो घुमाएगा, एक होगा रोटेटिंग टॉर्क और इसको घूमने से रोकने वाला होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क जो घूमने से रोकेगा, समझ गए? स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क और करंट प्रोड्यूस करेगा रोटेटिंग टॉर्क। तो अगर हमारी कॉइल अल्फा डिग्री के एंगल पर घूम गई है ना, तो जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा वो रोटेशन के ऊपर डिपेंड तो करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क है कि नहीं। रिस्टोरिंग टॉर्क जो दोबारा से उसको अपनी जगह पर लाने की कोशिश करता है उस टॉर्क को कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, और जो हमारी कॉइल को वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश कर रहा है वो कौन सा, किसकी वजह से है, वो स्प्रिंग की वजह से, उसे कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोर कर रहा है, वापस अपनी उसी पोजीशन पे ला रहा है, क्योंकि इसकी वजह से स्प्रिंग टाइट हो रहा है, स्प्रिंग टाइट हो रहा है तो स्प्रिंग लूज होना चाहता है, तो कॉइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए जो टॉर्क लगेगा उसे हम कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, और वो डिपेंड करेगा हमारी कितने डिग्री एंगल पर कॉइल घूम गई। तो ये वाला जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है कि हमारी कॉइल कितने डिग्री एंगल पर घूम गई। स्प्रिंग को ज्यादा घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क, कम घुमाने के लिए कम टॉर्क, यानी बड़े एंगल पर बड़ा टॉर्क, छोटे एंगल पर छोटा टॉर्क। तो ये प्रोपोर्शनल है कितने डिग्री एंगल पर हमारी कॉइल रोटेट कर गई। अल्फा है कितने डिग्री एंगल पर हमारी कॉइल रोटेट करी, समझ गए? और रोटेटिंग टॉर्क कौन सा है, रोटेटिंग टॉर्क है एन आई बी ए, ठीक है। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के अंदर कितनी टर्न्स हैं, आई है कॉइल के अंदर कितना करंट है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ए है हमारी कॉइल का एरिया। जब रोटेटिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, एक तो करंट हमारे कॉइल को घुमाने की कोशिश कर रहा है, वहां से स्प्रिंग उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा है, जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो हमारी कॉइल घूमना बंद कर देगी। रिस्टोरिंग टॉर्क एंड रोटेटिंग टॉर्क जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारी कॉइल रोटेट करना बंद कर देगी। तो हम कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू रोटेटिंग टॉर्क, तो हमारी कॉइल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू के अल्फा, ठीक है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा के हम लिख देंगे के अल्फा। के क्या होगा, के किस प्रॉपर्टी की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो रहा है, प्रॉपर्टी कौन सी है जिसकी वजह से हमारी कॉइल वापस अपने जगह पे आना चाहती है, कौन उसको वापस अपने जगह पे लाने की कोशिश कर रहा है, स्प्रिंग। तो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। के क्या कहेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारी कॉइल को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, के अल्फा इज इक्वल टू एन आई बी ए, तो हमारी कॉइल रोटेट करना बंद कर देगी, समझ गए? तो हम लोग लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू एन आई बी ए बाई के, और अगर हम करंट को नीचे ले आए, अल्फा बाई आई, अल्फा इज कितने डिग्री एंगल पर कॉइल ने रोटेट किया, आई है करंट, ये दो चीज बदल रही है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदल रही, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही, एरिया का कॉइल नहीं बदल रहा, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी नहीं बदल रहा। तो ये सारी चीज कैसी हैं, कांस्टेंट हैं। इन सभी कांस्टेंट्स को हम एक नाम दे देंगे जिसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसे कहेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। बाजू में आई, उसे कहेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, कौन कौन से टॉर्क लगते हैं जिसकी वजह से बैलेंस बनता है, और उस फॉर्मूले को यूज करके हम लोगों ने निकाल अल्फा बाई आई। अब इसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं कि और क्या क्या बातें हैं जो गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें समझनी है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी मतलब हमारी हमारा गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। ज्यादा सेंसिटिव मतलब मामूली सा करंट भी हमारी कॉइल को घुमा देगा बहुत तेजी से, हमारा पॉइंटर जो है ना पॉइंटर ऐसे घूम जाएगा, दूर तक चला जाएगा। और अगर हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत कम सेंसिटिव है तो हम बहुत सारा करंट भेजेंगे ना तो मामूली सा हिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो या कम सेंसिटिव हो? हाँ, हम चाहेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। तो ज्यादा सेंसिटिव होने के लिए देखो हमने करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखा, ये इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। कितने डिग्री एंगल पर घूम जाएगी हमारी कॉइल और कितना करंट है। अगर करंट बहुत मामूली सा है और अगर हमारी कॉइल बहुत बड़े एंगल पर घूम जाए तो हम कहेंगे हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी इसको कहेंगे IS, IS से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट एम्पियर करंट हमारी कॉइल को कितने डिग्री एंगल पर रोटेट करेगा इसे कहेंगे करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी किन किन बातों पे डिपेंड कर रही है, देखो यहां पर फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो हम देख चुके कि करंट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम जानते हैं न्यूमरेटर की चीज को बढ़ा दोगे तो IS बढ़ जाएगा। तो न्यूमरेटर में हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, एरिया को बढ़ा सकते हैं और K को छोटा कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, बहुत बार कॉइल को लपेटेंगे 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 लपेटेंगे, हमारी सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन हमारा गैल्वेनोमीटर भारी भरकम हो जाएगा, महंगा भी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना एक लिमिट तक हम बढ़ा सकते हैं, लगातार एन को नहीं बढ़ाया जा सकता। फिर है मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज करने पड़ेंगे, बड़े मैग्नेट नहीं, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स नहीं करने में यूज, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स करने हैं, ठीक है। तो हम बी को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर है एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल के एरिया को भी हम बड़ा कर सकते हैं। अगर हम कॉइल के एरिया को बड़ा कर देंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर भी बड़ा हो जाएगा, वो सेंसिटिव तो हो जाएगा लेकिन संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम एरिया को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। रही बात फिर स्प्रिंग कांस्टेंट की, स्प्रिंग कांस्टेंट तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को तो हमें ऐसे मटेरियल चूज करके चेंज करना है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत छोटा हो। तो हम लोग ऐसे मटेरियल को यूज़ करेंगे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट काफ़ी छोटा हो, और ऐसा मटेरियल होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो अगर हम फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर यूज़ करेंगे तो हम के को छोटा कर सकते हैं, तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बस नहीं, बहुत आसान सी बात, बस ये याद रखना है कि हम किस किस चीज़ को बढ़ा सकते हैं और किस किस चीज़ को बढ़ा नहीं सकते, या किस चीज़ को घटा सकते हैं किस चीज़ को घटा नहीं सकते। फिर है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज की सेंसिटिविटी मतलब इस वाले फॉर्मूले में Vs लिखेंगे और हम क्या करेंगे IR, R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर भी एन बी ए बाई के आर बन जाएगा, ठीक है। इसे कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, कितनी वोल्टेज लगाएं, क्योंकि ये वोल्टेज बन जाएगा ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी एन बी ए बाई के आर, कितनी वोल्टेज हमारी कॉइल को कितने एंगल तक घुमा देती है। तो ज़्यादा सेंसिटिव होने का मतलब यह है कि बहुत थोड़ी सी वोल्टेज भी हमारी कॉइल को घुमा देगी। तो ये भी उन्हीं चीज़ पर डिपेंड करता है, बस एक रेजिस्टेंस वाली चीज़ एक्स्ट्रा है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करो, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को छोटा करो तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जब हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे किसी भी तरीके से,
क्या तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी? देखो ध्यान से, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करने से और के को छोटा करने से तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, एक बात। अच्छा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिया जाए, अगर हम सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी? लग रहा तो ऐसे ही है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन जब हम बड़े वायर को यूज करेंगे, एक बहुत बड़ा वायर यूज करेंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एक तरफ तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े, एक तरफ रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे फर्क नहीं पड़ा, समझ रहे हो? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी उतने ही गुना बढ़ गया। अगर हम 5 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी लेंथ भी 5 टाइम्स हो गई, है ना? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे फर्क नहीं पड़ता अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमने बात करी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर है? आसान, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं कि कैसे गैल्वेनोमीटर को, बेसिकली हमारा जो एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं ना, एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है, और वोल्टेज किससे नापते हैं, वोल्टमीटर से नापते हैं। तो करंट और वोल्टमीटर मेजर, वोल्टेज मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस बनाएंगे ना, बेसिकली वो क्या होता है, बेसिकली वो गैल्वेनोमीटर ही होता है। गैल्वेनोमीटर में मामूली सा बदलाव करके उसी को हम लोग एमीटर कह देते हैं, और थोड़ा सा बदलाव करके उसी को हम कह देते हैं वोल्टमीटर। तो हम लोग करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो ये होगा हमारा अगला टॉपिक। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। सेटअप एक बार टाइम देख लेते हैं कितना टाइम रह रहा है। कन्वर्जन ऑफ, मेरे ख्याल से टाइम है हमारे पास 10 मिनट्स है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। सबसे पहले ये कहेंगे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलेंगे, ओके। अब देखो एमीटर क्या करता है, एमीटर नापता है करंट, और करंट नापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको कहते हैं एमीटर, ठीक है। अब करंट नापने के लिए जब एमीटर को यूज करेंगे तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि सर्किट के अंदर से जिसमें हम करंट नाप रहे हैं वो सारा का सारा करंट हमारे एमीटर में से जाए, तभी तो हम नाप पाएंगे। तो अगर हम अपना कोई सर्किट ले लें, मान लो ये हमारे पास कोई सर्किट है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर बैटरी लगी हुई है, हम इसमें से करंट नापना चाहते हैं, तो करंट नापने के लिए हमने यहाँ पर एमीटर लगा दिया, हमने अपना यहाँ पर डिवाइस लगा दिया जो करंट नापेगा। तो इसे कहेंगे डिवाइस विच मेजर्स करंट, ठीक है। तो जितना करंट है वो सारा का सारा हमारी इस डिवाइस में से जाएगा, मतलब अगर करंट ज्यादा हुआ तो भी इस डिवाइस में से जाएगा, कम हुआ तो भी इस डिवाइस में से जाएगा, यानी कि ये डिवाइस राम भरोसे हो गई, ज्यादा करंट इसको खराब कर देगा, है ना, और हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है, गलती से ज्यादा करंट चला गया तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये जो मीटर है खराब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा करंट जाएगा तो हमारी कॉइल में से ज्यादा करंट जाएगा तो हीटिंग होगी तो हमारे कॉइल की इंसुलेशन जल जाएगी तो क्या होगा, वो कॉइल नहीं रहेगा फिर, समझ गए? तो हम नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा करंट हमारे इस डिवाइस में से जाए, और हम ये भी चाहते हैं कि सारा सारा करंट भी जाए, तो दो अपोजिट बातें हो गई, तो डिलेमा बन गया।
एक बार हम कह रहे हैं कि सारा सारा करंट जाना चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ज्यादा करंट गया तो ये जल भी सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक तो प्रॉब्लम हमारे सामने ये हुई कि सारा बहुत सारा करंट जाएगा तो खराब हो जाएगा और जाना जरूर चाहिए, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, इसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो सीरीज में जोड़ने पर अगर हमारा ईएमएफ है ई, तो करंट होगा ई डिवाइड बाई आर प्लस आर डैश, यानी इसको जोड़ने से करंट कम हो गया, है ना। हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा सारा करंट इसमें से जाए, लेकिन ऐसा करने के साथ साथ हमारा सर्किट के अंदर करंट पे भी फर्क पड़ा। हम जिस करंट को नापना चाह रहे थे वो करंट डिक्रीज हो गया, तो दो प्रॉब्लम आई ना हमारे साथ, और ये भी जरूरी है कि इसको सीरीज में जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने जो आई हैं, इनको दूर करेंगे, और दूर करते ही जो हमारा डिवाइस बनेगा वो कहलाएगा एमीटर। बात समझ में आई? ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, हमने बेसिकली, मैंने कहा है कि हम गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर के तरीके से यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना, और हम चाहते हैं कि इसमें से बहुत सारा करंट ना जाए, मामूली सा करंट जाए, ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर हमेशा बचा रहे। तो अगर इसमें मामूली सा करंट जाना है और हम इसे बचाना भी है और इसका रेजिस्टेंस पूरे सर्किट पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसके पैरेलल में हम एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे, बड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे या छोटा लगा देंगे, सोचो। हम क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसमें से तकरीबन, हम ये चाहते हैं ना इसमें तकरीबन सारा करंट जाए, है ना, ताकि इसमें से मामूली से जाए, तो इसका रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए, और हम उसको कहेंगे एस, शंट रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, नाम मात्र का होना चाहिए। अब हमारा सारा करंट, जो हमारा करंट आई है, वो मामूली सा तो इसमें से जाएगा और ज्यादातर इसमें से ही जाएगा, इसमें से बहुत मामूली सा जाएगा और ज्यादातर करंट तो हमारा ऊपर वाले सर्किट में से चला जाएगा, ऊपर वाले रेजिस्टेंस से जाएगा। इससे क्या हुआ, एक तो हमारे गैल्वेनोमीटर में से बहुत कम करंट जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये दो रेजिस्टेंस हो गए, एक बहुत छोटा है और एक जी है। अब हमने देखा था कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो टोटल रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा हो जाएगा। ऐसा करने से जब हमने बहुत छोटा रेजिस्टेंस हमारे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, है ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस दोनों का मिला करके वो इस छोटे से भी छोटा हो गया, और छोटे से छोटा हो गया तो हमारे करंट पे कोई असर नहीं पड़ा, है कि नहीं। ये हमारा आर डैश है और ये बहुत छोटा हो गया, वेरी स्मॉल, ये हो गया हमारा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम यूज करें ना वो बन गया वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो गया, वो रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो गया, और बहुत छोटा हो गया तो हमारे करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो हमने देखो क्या किया, एक स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ने पर हमारा गैल्वेनोमीटर में बहुत मामूली सा करंट जा पा रहा है और ज्यादातर सारा करंट हमारे इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है। एक बात, हमारा गैल्वेनोमीटर जलने से बच गया, दूसरा पूरे सर्किट के करंट पे भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अब ये जो डिवाइस बन गया ना इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस बन गया ना, ये पूरा डिवाइस इसी को कहेंगे एमीटर, इसी को कहेंगे हम लोग एमीटर। तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं तो इसको ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा पुराना रेजिस्टेंस और इस सारे की जगह एमीटर, इसको कहेंगे एमीटर, ये हमारा एमीटर, ये हमारी बैटरी, ठीक है। तो बेसिकली एमीटर क्या है, एमीटर गैल्वेनोमीटर ही है
लेकिन उसके पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसे कहते हैं S is called shunt resistance. Resistance का मतलब ही, shunt का मतलब ये होता है parallel में बहुत छोटा resistance, ठीक है, या parallel में जोड़ा हुआ resistance. Clear है? अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, shunt resistance की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. तो एक बार redraw करते हैं और फिर देखते हैं. तो मैंने अभी बताया कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसे शंट रेजिस्टेंस कहेंगे. हमारे सर्किट का जो करंट है मामूली सा तो गैल्वेनोमीटर में से जाएगा और ज़्यादातर बल्कि 100% में मामूली सा ही कम, यानी 90.99.99 इसमें से जा रहा है, ठीक है. तो हम निकालना चाहते हैं शंट की वैल्यू जो इस करंट को मेजर करेगी, ठीक है. तो देखो दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, हमारा शंट और गैल्वेनोमीटर, दोनों की वोल्टेज सेम होनी चाहिए. चलो क्या लिखेंगे फिर हम लोग, हम लिखेंगे S इंटू आई माइनस आई जी, शंट रेजिस्टेंस की वोल्टेज इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज आई जी जी. हम चाहते हैं S, सो S आ जाएगा आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी. ये हुआ शंट की वो वैल्यू जो हमारा आई करंट मेजर करेगी. समझ आई बात? कंफ्यूजन लग रहा है? कंफ्यूजन तो मैं इस बात में लग रहा होगा कि सर गैल्वेनोमीटर में से तो केवल आई जी ही जा रहा है लेकिन मेजर कर रहे हैं हम लोग आई, ऐसे कैसे हो रहा है ना, कंफ्यूजन वाली बात है ना, कि हमारे गैल्वेनोमीटर में से केवल आई जी ही जा रहा है लेकिन हम बात कर रहे हैं आई की, ऐसा कैसे हो गया. ऐसा एक छोटे से ट्रिक की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं. क्या करते हैं हम लोग कि अगर हमारे गैल्वेनोमीटर में से आई जी करंट जा रहा है, जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट है गैल्वेनोमीटर में से जो भेज सकते हैं, आई जी मैक्सिमम करंट है जिसकी वजह से हमारी निडल जो है ना गैल्वेनोमीटर की निडल इस किनारे पे आ जाएगी, ये वो करंट है जो हमारी कॉइल को बिल्कुल किनारे ले आएगा, मैक्सिमम करंट है आई जी. आई जी कैसा करंट है? मैक्सिमम करंट है जो हमारे गैल्वेनोमीटर से जा सकता है, ठीक है, ये वो मैक्सिमम करंट है, ठीक है. तो जब मैक्सिमम करंट है हम उसको, हम पहले कैलिब्रेट करते समय क्या करेंगे, मान लो ये है 10 एम्पियर, मान लो ये मैक्सिमम करंट कितना है 10, ये जो करंट आई कितना है 10 एम्पियर और हमारा आई जी है 0.1 एम्पियर, ठीक है 0.1 एम्पियर है, तो 0.1 हमारी निडल को किनारे पे ले आएगा ना, तो हम उसको 0.1 ना लिख करके वहां पर 10 लिख देंगे. ये हमारे हाथ में है ना, स्केल के ऊपर जो वैल्यूज डालते हैं ना, है ना, स्केल के ऊपर जो वैल्यूज डालेंगे उसे कहते हैं कैलिब्रेशन करना, वो तो हमारे हाथ में है. तो जब हमारी निडल किनारे पर 0.1 एम्पियर के लिए पहुंच जाएगी तो हम 0.1 ना लिख करके 10 लिखेंगे. इसका मतलब कि जब यहां पर 10 होगा उस समय यहां पर 0.1 होगा और हमारी निडल किनारे पे पहुंच जाएगी तो वहां पर लिखा होगा 10 एम्पियर, तो सही 10 एम्पियर दिखाएगा. और अगर यहां पर 9 एम्पियर होगा तो उसी हिसाब से ये करंट भी कम हो जाएगा और हमारी सुई थोड़ी सी, हमारा जो पॉइंटर थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ऐसे ये और कम हो जाएगा तो हमारा पॉइंटर और इधर, अगर ये जीरो हो जाएगा तो पॉइंटर जीरो पे. बस तो बड़ी सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक के साथ एक तीर में हमने कई शिकार कर दिए. एक तो गैल्वेनोमीटर को जलने से बचा लिया है ना, करंट को बाईपास कर दिया, बाईपास कर दिया, इसे बाईपास कहते हैं कि ज्यादा करंट यहां से जा रहा है, मामूली सा करंट यहां से जा रहा है. दूसरी बात कि हमारे पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को भी हमने झटके में कम कर दिया. अब जितना छोटा लगाएंगे ना इसको, शंट जितना छोटा होगा ना उतना रेजिस्टेंस सर्किट में कम होगा और हमारे आई पर असर नहीं पड़ेगा, आई पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो ऐसा करके हमने अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सो इजी. ओके तो कल हम लोग करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो
ठीक है, फिर कल मिलते हैं। आज मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उनको देखते रहना, समझते रहना, वीडियो को बार बार देखो, समझो, करो। तो सी यू टुमारो, बाय ऑल ऑफ यू।